Welcome. I hope you all be fine, taking good care of yourself, your families, wherever you are. You'll spending very productive time. And today we are going to have very interesting video here. हम R document को देख रहे हैं. तो देखिए इसको इससे पहले कि मैं आज मल्टीपल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की इंटरप्रिटेशन की बात करूं, मैं जो बात करने जा रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट एंजॉय दिस, हाउ वी कैन हैव दिस डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड विद इन अ सेकंड. सो हियर गोज अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड यू हैव ऑल द अलाइनमेंट्स, हेडिंग्स, एवरीथिंग. Today I am not going to provide you code. I'll just click it and place it on web. So you see you have all this code here. You have this regression model here. How we do this, that I'll explain. But usse pehle main aapko linear regression model, multiple linear regression model mein coefficient ki interpretation kya hoti hai, तो वो दिखाने की कोशिश करूंगा. ये देखिए R में रिग्रेशन इक्वेशन को लिखना भी बहुत ही आसान है, यानी कि यहां पे हमने y बीटा नॉट x ये सारा लिखा, इसको लिखना भी बड़ा आसान है. तो मैं इस डॉक्यूमेंट को अलग से रिप्रोड्यूस करने के लिए यहां पे नई इक्वेशन आए तो ये देखिए ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी. तो ये कैसे करते हैं मैं इस पे बातें करूंगा. तो R के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं. बट लेट्स गो कि जी हम पहले मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखें. एज यूजुअल लाइब्रेरी, ये देखिए तीन डॉट्स और उसके बाद जब आर लगाते हैं और ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट लग जाती है तो ये हमारा एक प्रोसेस स्टार्ट होता है. इसको हम कहते हैं चंक का स्टार्ट हो रहा है. लाइब्रेरी रीड एक्सेल, लाइब्रेरी डीप्लायर, ग्रीन ग्रीन सिग्नल बन रहा है. तो इसका मतलब ये है कि सारा कुछ ठीक चल रहा है. नीचे आपको नजर आ रहा है लाइब्रेरी जीजी प्लॉट टू. आज एक में इंस्टॉल डॉट पैकेजेस में स्टार गेजर आप जरूर कर लीजिएगा. ग्रोथ डेटा एज यूजुअल जैसे हमने लिया और इसकी देखिए वही वाली जो है वो आउटपुट जो हम हमारे पास पहले से थी. तो आज हमने जो काम करना है वो हमें ये कहा गया है कि यूजिंग द डेटा ग्रोथ डिस्क्राइब्ड, हमने जो है वो क्लास नोट्स में या यूं कह लें कि इन प्रीवियस वीडियो. ये देखिए मैं यहां पर कोई भी जो है वो चेंज करूंगा तो वो इमीडिएटली मेरे अगले डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो ग्रोथ ऑन ट्रेड एंड हियर स्कूल, तो हम यहां पे रिग्रेस कर रहे हैं ग्रोथ को, माल्टा को एक्सक्लूड करके. तो ये देखिए माल्टा को मैंने एक्सक्लूड कर दिया. तो ये डेटा मेरे पास ग्रोथ अंडरस्कोर माल्टा एक्सक्लूडिंग माल्टा डेटा आ गया. मॉडल वन, लीनियर मॉडल वन, लीनियर मॉडल LM ग्रोथ को मैंने रिग्रेस किया ट्रेड शेयर पे प्लस ईयर स्कूल पे. डेटा इक्वल टू ग्रोथ. यहां मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, इसका समझने की जरूरत है. टेक्निकल लैंग्वेज में देखना है तो इसको हम कहते हैं Frisch-Waught Theorem. मैं Frisch-Waught Theorem की मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाह रहा. आप देखना चाहें तो विलियम ग्रीन की जो बुक है इकोनोमेट्रिक एनालिसिस, उसके चैप्टर टू के ये थ्री के एंड पे Frisch-Waught Theorem के बारे में आपको काफी डिटेल मिल जाएगी. तो यहां पे देखिए जब हम ये कहते हैं कि ट्रेड शेयर का इंपैक्ट ऑन ग्रोथ होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ ईयर स्कूल कांस्टेंट, सोचिए जरा ये बात हम क्या कहते हैं. ईयर स्कूल का इफेक्ट कांस्टेंट रखते हुए ट्रेड शेयर का ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट है. तो ऑब्वियसली आप ये वाली बात करते हैं, यानी कि ये जो कोएफिशिएंट आया है इसका क्या मतलब है. 1.89 इज द इंपैक्ट ऑफ ट्रेड शेयर ऑन ग्रोथ होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ ईयर स्कूल कांस्टेंट. आप अपने तौर पे सोचते रहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. इसका मतलब यह है कि अगर ईयर स्कूल का इंपैक्ट ग्रोथ में से भी डिस्कार्ड कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, पार्शियल आउट कर दिया जाए, नेट आउट कर दिया जाए, तो
आपके पास कोई चीज बच जाएगी विच आर कॉल्ड रेजिजुअल्स. रेजिजुअल्स क्या होते हैं कि ईयर स्कूल का इंपैक्ट जब ग्रोथ में से निकाल दें जो कुछ बच जाए, तो इसका मतलब है वो ग्रोथ में से ईयर स्कूल के अलावा बाकी चीजों का इंपैक्ट है. ट्रेड शेयर में से भी ईयर स्कूल का इंपैक्ट जो है वो अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो इसका मतलब ट्रेड शेयर में वो चीज बच जाएगी जो ईयर स्कूल के अलावा वाली है. तो यहां पे देखिए मॉडल टू में मैंने क्या किया, ग्रोथ को ईयर स्कूल पे रिग्रेस किया, तो रेजिजुअल्स जो आए इसका मतलब है उन वो रेजिजुअल्स वो चीज हैं जो ग्रोथ में से ईयर स्कूल का इफेक्ट निकाल के जो कुछ आया. ट्रेड शेयर को मैंने ईयर स्कूल पे रिग्रेस किया, इसका मतलब है ट्रेड शेयर में से ईयर स्कूल का इफेक्ट एलिमिनेट करके जो कुछ ट्रेड शेयर में रह गया. अब मैं क्या कर रहा हूं, जो रेजिजुअल्स मेरे मॉडल टू से आए और जो रेजिजुअल्स मेरे मॉडल थ्री से आए, इसका मतलब है इन रेजिजुअल्स में ग्रोथ में से ट्रेड शेयर का इंपैक्ट नहीं है, इन रेजिजुअल्स में ट्रेड शेयर में ईयर स्कूल का इफेक्ट नहीं है, तो दोनों में से ईयर स्कूल एलिमिनेट कर दिया. अब इस ये जो आपके पास रेजिजुअल्स आए, अगर इन रेजिजुअल्स को मैं इन रेजिजुअल्स पे रिग्रेस कर दूं जिन दोनों में ट्रेड शेयर ईयर स्कूल का इंपैक्ट नहीं है, तो जो मेरा कोएफिशिएंट आएगा दैट इज द सेम एज इन दिस मल्टीपल रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ ट्रेड शेयर ऑन ग्रोथ. आपको कंफ्यूजन्स हो रही होंगी, बहुत ज्यादा हो रही होंगी, नेचुरल है, होनी भी चाहिए, कंफ्यूजन इज इंजन ऑफ ग्रोथ. तो लेट्स गो. आपके सामने मैंने सबसे पहले ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन रन कर दिया, फिर मैंने ग्रोथ को ईयर स्कूल पे रिग्रेस कर दिया. ये आपके पास यहां पे रिजल्ट्स यहां पे शो नहीं होंगे अभी चूंकि मॉडल में हमने स्टोर कर रहे हैं. ट्रेड शेयर को ईयर स्कूल पे रिग्रेस कर दिया, रेजिजुअल्स ले लिए मॉडल टू से जिसका मतलब है ग्रोथ में से ट्रेड शेयर का ईयर स्कूल का इफेक्ट खत्म हो गया, ट्रेड शेयर में से ईयर स्कूल का इफेक्ट खत्म हो गया. तो अब जो पहले इक्वेशन के रेजिजुअल्स हैं जो ग्रोथ से ईयर स्कूल का इफेक्ट खत्म करके उनको रिग्रेस कर रहे हैं ट्रेड शेयर में से ईयर स्कूल का इफेक्ट एलिमिनेट करके, तो मेरे पास मॉडल आ गया. अब मेरे पास दो मॉडल आ गए, एक रिग्रेशन मॉडल वन. तो आप देखिए तो यहां पे कोएफिशिएंट क्या बना है 1.89, और जब मैंने ये दूसरे वाला लिया तो ये देखिए ये वो वाला है जो रेजिजुअल से आया था, तो ये भी क्या आ रहा है 1.89. और अगर मुझे इसको एक ही दफा डिस्प्ले करना है तो वो ये रिजल्ट्स मेरे पास आ गए. लुक हियर दीज रिजल्ट्स. तो यहां पे देखिए 1.89 उस इक्वेशन का इंपैक्ट है जिसमें ट्रेड शेयर से ईयर स्कूल एलिमिनेट कर दिया था और ग्रोथ में से भी ईयर स्कूल एलिमिनेट कर दिया था, और ये वो 1.89 है जिसमें ईयर स्कूल मौजूद था. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन दैट इट ट्रेड शेयर इंपैक्ट ऑन ग्रोथ इज 1.898, एलिमिनेटिंग पार्शलिंग आउट नेटिंग आउट द इफेक्ट ऑफ ईयर स्कूल, कि इसका इंपैक्ट दोनों में से डिपेंडेंट वेरिएबल में से भी और रिग्रेसर्स में से भी एक्सक्लूड करके जो कुछ रिजल्ट्स आए हैं दैट इज कॉल्ड होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट. दिस इज कॉल्ड टेक्निकल लैंग्वेज में फ्रिश-वॉट थ्योरम. एक छोटी सी और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को रहती है, स्कॉलर्स के बारे में मैं नहीं कुछ कहता, वो ये अस्यूम करते हैं कि ट्रेड शेयर और ईयर स्कूल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं. अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो मल्टीकोलिनियरिटी है. प्लीज रिमेंबर ये दोनों आपस में कोरिलेटेड होना जरूरी होता है, इनके दरमियान हाई कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए. अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो ग्रोथ को मैं ट्रेड शेयर पे अलग से रिग्रेस कर देता, ग्रोथ को ईयर स्कूल पे अलग से रिग्रेस कर देता, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था. तो एक मॉडल में आने का मतलब ये है कि ईयर स्कूल जो है इस वक्त वो ट्रेड शेयर से भी कोरिलेटेड है और वो ग्रोथ का डिटर्मिनेंट है. तो दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है एक वेरिएबल का मॉडल में इंक्लूड होने के लिए. एक यह है कि जो यहां पे रिग्रेसर्स मौजूद है उनके साथ वो कोरिलेटेड हो, और दूसरा यह है कि वो इस ग्रोथ को एक्सप्लेन कर रहा हो. तो
اگر اس کو انکلوڈ نہ کیا تو امیٹیڈ ویریبل بائس ہوگی. ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کنڈیشن سیٹسفائی نہ ہو تو پھر بے شک اس ویریبل کو ماڈل میں انکلوڈ نہیں کریں. یہ سارا کام ہو گیا. اب آپ اس کو ڈاکومنٹ کو ریپروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو لک ہیئر, میں نے یہاں پہ ویب ڈاکومنٹ پروڈیوس کرنا ہے تو یہ میرے پاس یہ ویب ڈاکومنٹ پروڈیوس ہو گیا. اب اس کو میں نے جسٹ نیٹ پہ ڈالنا تھا تو یہ دیکھیے میں نے یہاں پہ اس کو آپ لوگوں کے لیے میں آر پبز پہ ڈال رہا ہوں. تو میں اس کو کہتا ہوں پبلش کر دو, وہ مجھے کہتا ہے جی کہ اچھا ہم اس کو پبلش کر دیں گے. تو یہ لنک آپ کو مل گیا آر پبز, یہ میری ایک چھوٹی سی سائٹ آر پبز, کوئی بھی بندہ اپنی فریلی بنا سکتا ہے. تو میں یہاں پہ اس کا ٹائٹل دے دیا, ٹھیک ہے, گروتھ ایکویشن یوزنگ آر مارک ڈاؤن ڈاکومنٹ. کنٹینیو کر دیں. آپ اس کے آگے کچھ اور لکھنا چاہتے تھے بعد میں ایڈٹ کر دوں گا. تو یہ آپ کے سامنے ایک ڈاکومنٹ تیار ہو گیا. آپ اس کے یہ جو گرے ایریا میں یہ کوڈز گیون ہے, آپ یہاں سے rpubs.com زاہد اسکر سے جا کے اس ڈاکومنٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ دوں, لیکن ایک چیز چھوٹی سی جو دیکھیے یہاں پہ نا وہ ریگریشن ایکویشن ڈسپلے نہیں ہوئی. اٹس ڈسپلیڈ, اٹس اوکے, اٹس اوکے. یہ دیکھیے اب اس کو آپ فردر اچھی طرح کرنا چاہتے ہیں, اس کو ورڈ میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ نیٹ پہ جا کے آپ اس کو پی ڈی ایف میں کرنا چاہتے ہیں لیٹیکس میں یا ورڈ میں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دیکھیے ورڈ میں یہ آپ کا ڈاکومنٹ تیار ہو گیا. لک ہیئر, وہ کہتا ہے جی کہ یہ آپ کے پاس, یہ دیکھیے یہ ڈاکومنٹ آپ کا تیار ہو گیا. تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز پر یور ریکوائرمنٹ. اور پورا تھیسس آپ کو ٹائپ کرنا ہے اس میں. آپ کو تھیسس ٹائپ کرنے کے لیے کوئی ورڈ کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے, آپ جسٹ آر کا مارک ڈاؤن یوز کریں. اب آر کا مارک ڈاؤن کیسے یوز کرتے ہیں میں کسی اور ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا, بٹ پلیز کیپ آن لرننگ دس آر ویری یوزفل سافٹ ویئر فار ڈوئنگ ایوری تھنگ ان آر. ایون پریزنٹیشنز میں بھی جب جائیں گے ہم یہاں پہ دیکھیں تو آر مارک ڈاؤن ڈاکومنٹ آپ کو آپشنز آئیں گی, پریزنٹیشن کی آپشنز آئیں گی. یہ دیکھیں مارک ڈاؤن آ گیا آپ کے پاس, جو ہے وہ پریزنٹیشنز کی آپشنز موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں آر پریزنٹیشنز آ گیا, تو آپ کو ساری کی ساری آپشنز یہاں پہ اویلیبل ہیں. ٹیک کیئر, تھینک یو فار واچنگ. آئی ول شو یو ان نیکسٹ ویڈیو اور ان کمنگ ویڈیوز ہاؤ ٹو یو میک دس مارک ڈاؤن ڈاکومنٹ.